सर मैं थक गया हूं, मैंने दो अटेम्प्ट लगा लिए, तीन अटेम्प्ट लगा लिए हैं, अभी भी मेरा पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे वेस्ट कर रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। नाउ दिस इज एंड दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आई गेट फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट एट FPA बट देर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स नाउ, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू that I've been getting a lot of comments from all you lovely people, right? So I thought ki aaj hum na ye discuss karte hain ki aapko kya karna chahiye agar aapke do attempt lag gaye, teen attempt lag gaye, right? But before we discuss that, thank you so much for all your love, all your feedback, all your comments. I really really appreciate it, right? हम ऑलमोस्ट 4000 हो गए। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई प्रॉमिस यू मैं कंटेंट वही बनाऊंगा जो तुम्हारे ACCA या तो तुम्हारे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जर्नी में तुम्हें हेल्प होगा, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि भाई अगर आपका अटेम्प्ट लग रहा है, और ये होता है, देखो ये तो मैंने 500 बार बोल चुका हूं कि ACCA इजी नहीं है, ये एक मिथ बना के रखा हुआ है कि हाँ भाई ACCA आराम से हो जाता है, 6 महीने में हो जाता है। नहीं नहीं अरे आप तो 12 पेपर एक साथ कर लो, ये सब मार्केटिंग है, राइट? ACCA नहीं होता है 6 महीने में, ACCA नहीं होता है 12 महीने में, ACCA को टाइम लगता है, राइट? यस देर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ गिविंग 4 पेपर्स एट अ टाइम, तो आप चाहे तो आप 2 क्वार्टर में 8 पेपर आप निकाल सकते हो। अच्छा क्या मैं पूरे 13 पेपर एक साल में दे सकता हूं? वो भी नहीं हो सकता, बिकॉज ACCA बोलता है 1 साल में 8 पेपर ही आप दे सकते हो, राइट? सो ये सारी जो है कि भाई आप 6 महीने में कर लो, 12 महीने में कर लो, या ये सारा मार्केटिंग के लिए अच्छा है, राइट? बट रियलिटी ये है कि 1 पेपर भी निकालना टफ होता है। और अगर आपको नहीं बिलीव हो रहा है तो प्लीज आप जाके ACCA के पास रेट्स देखें एंड यू विल सी कि वहां बाय द वे मेजोरिटी एक ही पेपर देते हैं, राइट? तो आप देख लें कि वहां पास रेट्स क्या चल रहा है, एवरेज आपके नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, प्रोफेशनल लेवल लगा के आप देखोगे तो वही 40-50% के बीच में, राइट? सो पेपर डिफिकल्ट है 1 पेपर देने के बावजूद। तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि लेट्स से अगर आपकी 1 अटेम्प्ट लग गई है, 2 अटेम्प्ट लग गई है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी ये स्किल लेवल के पेपर है, कि माई एग्जाम परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकालो और देखो कि उधर आप कहां अटक रहे हो, राइट? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ब्लेसिंग है गाइस। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या आपने टाइम में गड़बड़ करी, क्या आपने सेक्शन ए में गड़बड़ करी, ऑब्जेक्टिव्स में गड़बड़ करी, कि लॉन्ग में गड़बड़ करी, कौन से सिलेबस एरिया में गड़बड़ करी, अप्लाई करने में करी, कि आपको प्रैक्टिकल नहीं समझ में आया या नॉलेज समझ में नहीं आया, राइट? सो ये वाला जो पार्ट है ना, तुमको तो करना ही पड़ेगा अगर आप स्किल लेवल में फेल हो रहे हो तो, राइट? प्लीज उसको देखो, अगर नहीं समझ में आता है रीच आउट करो, राइट? यू कैन ऑलवेज लीव अ कॉमेंट कि सर ये वाला फीडबैक आया हुआ, इसका क्या करना है, राइट? इनफैक्ट मेरा व्हाट्सएप का भी नंबर है वीडियोज में, रीच आउट करो, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, राइट? तो MEP देख लो पहले, राइट? उसमें से तुम्हें तुम्हारे वीक एरियाज आ जाएंगे। बट लेट्स से कि तुम्हारा MEP नहीं है या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, राइट? एंड यू आर लेट्स से फ्रॉम नॉलेज लेवल और प्रोफेशनल लेवल, राइट? क्योंकि प्रोफेशनल लेवल में भी होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 3-3 बार 4-4 बार फेल हो जाते हैं कुछ कुछ पेपर्स में। आई नो, राइट? तुम्हें लग रहा है अरे बापरे ऐसा होता है? यस होता है, लोग फेल होते हैं। बट सबसे पहले एक चीज तो ये अग्री करना है तुमने कि यस होता है, बिकॉज जब तक तुम ये नहीं अग्री करोगे तुमको कॉन्स्टेंटली ये लगेगा अरे आपसे क्या पाप हो गया, आप कैसे फेल हो गए, राइट? फेल होते हैं, मैं खुद फेल हो चुका हूं, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं खुद फेल हो चुका हूं ACCA जब मैं कर रहा था। तो फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ACCA, राइट? तो मेरा आज का जो की मैसेज है वो ये तो है कि प्लीज बिल्कुल भी ACCA में घुसना नहीं ये सोचो कि मैं तो आऊंगा और मैं बुलडोजर की तरह सब उड़ा दूंगा। पेपर आते हैं, एक आधे पेपर तो ऐसे आते हैं जो तुमको चिपक जाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब दूसरी चीज, क्या हमें इससे ओके होना चाहिए? नहीं ओके होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बी ओके यू आर फेलिंग, नो। व्हाट यू शुड डू इज ट्राई एंड फिगर आउट, जैसे MEP देखा है वैसे ही देखो कि तुम जब आंसर्स लिख रहे हो तो तुम्हारे गैप्स कहां आ रहे हैं, और वो कैसे आप देखोगे? हम हमेशा वही आंसर अटेम्प्ट करेंगे जो हमको एग्जाम किट में दिया हुआ है, जो स्टडी हब पे है, राइट? या तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। मेक श्योर करो कि तुम अपना आंसर लिखो, फिर आइडियल आंसर देखो, और उसके बाद में तुम देखो कि गैप एरिया कहां आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने आंसर SBL का मैं ले लेता हूं, तुमने आंसर लिख दिया है यूजिंग पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, और उसमें उन्होंने कोई और ही कॉम्पिटिशन का मॉडल ले लिया, कोई और स्ट्रेटेजी का मॉडल ले लिया, कुछ और कर लिया, राइट?
देन यू नो कि भाई ऐसे टाइप के आंसर में ऐसा वाला मॉडल ज्यादा आइडियल होता है, राइट right? अच्छा वैसे तो मैंने खैर एग्जाम्पल भी गलत लिया हुआ है, एसबीएल नहीं लेना चाहिए था, बिकॉज एसबीएल में तो एग्जामिनर भी बोलता है कि जरूरी नहीं है कि आपका और हमारा मॉडल सेम होना चाहिए, बट आउटकम सिमिलर होना चाहिए, राइट right? तो मे बी वो कोई और मॉडल यूज कर लो, बट आंसर का आउटकम सिमिलर आ रहा है तो यू आर फाइन. एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द अदर पेपर्स, कि जैसे हम ओन फिगर रूल यूज करते हैं, अगर आपको एक नंबर नहीं आ रहा है उसको इग्नोर करो, बट आगे के तो सम सॉल्व करो. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब उनको कुछ लगता है कि यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो नर्वस हो जाते हैं और उनको लगता है कि बाप रे ये क्या हो गया, ये 10 मार्क का मेरा क्वेश्चन खराब हो गया. अरे 90 मार्क्स तो है ना, 90 मार्क्स में हम फोकस करेंगे, 90 मार्क्स में से कितने लोग निकल जाते हैं. आई नो समवन हु अटेम्प्टेड 80 मार्क्स का या 84 मार्क्स का उसने ऑडिट का ट्रिपल ए का पेपर दिया था और उसमें भी उसको रैंक आ गया था, राइट. सो इट इज अ मिथ कि यार मैं पूरे 100 मार्क्स करूंगा तभी पास होगा. आपने अगर 80 मार्क का भी पेपर अच्छा कर लिया आपको रैंक आ जाता है, राइट. सो पॉइंट बीइंग कि आपको नर्वस नहीं होना है, आपको मेक श्योर करना है कि आपको पेपर में अगर कुछ गड़बड़ आता भी है तो आप उसको इग्नोर करेंगे और बाकी के पेपर को आप आराम से करेंगे. बिकॉज ट्रस्ट मी लाइक यू मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम कि अरे ये तो क्या डिफिकल्ट आ गया, कुछ अलग आ गया. मैं अगर होता होता पेपर लिखता होता शायद मुझे भी लगता है बाप रे ये क्या आ गया, राइट. सो ऐसा नहीं है कि आप ही को डिफिकल्ट लग रहा है, सबको डिफिकल्ट लग रहा होगा, राइट. सो उसको इग्नोर करो, ओन फिगर रूल होता है तो ओन फिगर रूल लगा के आगे बढ़ जाओ, राइट. तो हमने क्या करना है, सबसे पहली बात तो अपने आप को ये बताना है कि We fail, it's okay, everyone fails. Second is, figure out करो कि ideal answer और आपके answer में क्या फर्क आ रहा है, and then try and align. आप जितना ideal answer की तरफ move होगे उतना अच्छा होगा. और उसको आप कैसे करोगे, keep practicing. क्यों, देखो कोई और तो आपका exam नहीं लिखने वाला है ना, आपको ही लिखना है आपका exam. So keep practicing. रोज दो answer, तीन answer, पांच answer. Exam जब तक नजदीक आता है 10 घंटे 12 घंटे घुसा दो तुम उसमें, प्लीज, राइट. डोंट कि मैं 2 घंटा पढ़ूंगा मैं निकाल लूंगा, नहीं होगा. 10 घंटे 12 घंटे रोज लगाओ एग्जाम के नजदीक और तुम उसको क्लियर करो, ठीक है. एंड तीसरी चीज, लाइक आई सेड कि पेपर में आएगा कुछ, नर्वस नहीं होना, आता ही है कुछ ना कुछ बाउंसर. तो ACCA का फायदा क्या है ना, अगर वो तुमको पेपर दे देगा और तुमने तो सारी चीजें आराम से निकाल ली, नहीं होता है ना ऐसा, राइट. इट इज वन ऑफ द बेस्ट अकाउंटिंग बॉडीज फॉर अ रीजन, राइट. तो प्लीज ये लेके जाना कि हाँ हो सकता है कि मुझे एक आधा ऐसा बाउंसर भी आएगा, बट रेस्ट ऑफ इट मैं आराम से बैठ के निकालूंगा, ठीक है. तो ये 3-4 चीजें प्लीज करो, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज्यादा तुम अलाइन करोगे. मैंने ये बहुत सारे वीडियोस बनाए मैं एग्जाम टिप्स के अराउंड, प्लीज उसको देख लो, राइट. कि उसमें क्या क्या मैंने, इनफैक्ट मैंने तो पेपर वाइज भी बनाया हुआ है, ऑडिट का बनाया हुआ है, टैक्स का बनाया हुआ है, फाइ रिकलेटेड शायद SBL की भी मैंने बनाए हुए हैं, राइट. FR का मैंने बनाया हुआ है. सो प्लीज मेक श्योर करो कि आप ये सारे टिप्स वाले वीडियोस देखो. बट ये जनरल वीडियो मुझे करना था बिकॉज पीपल स्टार्ट टू थिंक कि यार ये हमसे तो होने ही नहीं वाला है. ऐसा कुछ नहीं है. आई नो पीपल जिन्होंने 4-4, 5-5 टाइम भी लगाए पेपर में और आज वो ACCA बन के बहुत अच्छी जॉब्स में बैठे हुए हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं, राइट. सो रिमेंबर कि इस टनल के एंड पे बहुत अच्छी बढ़िया तुम्हारी क्या बोलते हैं जर्नी तुम्हें मिलेगी, या तुम्हें व्हाटएवर एंड दैट यू सीक यू विल गेट एट इट, बट मेहनत अभी करनी पड़ेगी, ठीक है. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो हेल्प कर रहा है प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, मे बी दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम, ठीक है. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज रीच आउट टू मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. थैंक यू एंड बाय बाय.